ठीक है भाई दोस्तों, रस्ता तेरे बाल दिखाए बाद में मत बोलना कि भाई बढ़िया रस्ता तेरे कैसे लगा रखे दोस्तों आपके भाई ने गाड़ी। दोस्तों कैसे हो सब, सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अभी आपका भाई आ गया दोस्तों शाहबाद। दोस्तों पूरे दिन पूरी रात गाड़ी चलाई 11:30 बजे तक, उसके बाद मैं आ गया, रोटी खाई सो गया। और अभी देखो कितना काम है मेरे पास, अभी मुझे घोड़ा भी साफ़ करना है और ये भी, ये सारी ट्रॉली में। रात को बहुत तगड़ी बारिश पड़ी दोस्तों, नींद भी बहुत सेक्सी आई, बहुत ज़्यादा बढ़िया नींद आई, ठंडा ठंडा हो गया था ना। तो अभी मैं ये सब क्लियर करता हूँ दोस्तों, बत्ते सारे उठा के वहाँ रखूँगा और उसके बाद तिरपाल उठाऊँगा। तिरपाल उठाने के बाद दोस्तों देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी लोडिंग के लिए आ रही है। ये देखो वो दोस्तों आपके भाई की गाड़ी का माल है गुवाहाटी का, और रेट मैं बता दूंगा आपको क्या रेट लगी है। ठीक है दोस्तों, मैं सारा काम कंप्लीट करके मिलता हूँ, ये पहले सारा काम कंप्लीट कर देता हूँ, तिरपाल भी खोलता हूँ ऊपर से, पहले ये कर देते हैं दोस्तों और फिर मिलता हूँ मैं दोस्तों आप। और फाइनली दोस्तों आपके भाई ने मार दिया झाड़ू, पर अभी भी क्लीन नहीं हुआ ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, अभी भी क्लीन नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। और इसमें ये पानी भर गया है दोस्तों सारी तिरपालों में, ये तो लगा दिए बत्ते यहाँ। और अभी दोस्तों मैं गेट वाले से पूछ के आया था, वो कह रहा था 9:30 बजे एंट्री होगी। लुक एट दिस, घोड़ा कितना गंदा हो रहा है ये देखो, अभी मैं इसे साफ करता हूँ दोस्तों, पूरा चमका के दिखाता हूँ कैसा हो जाए। फाइनली लग गया दोस्तों भाई आपको भाई धोने के लिए, देखो अब एंकर की क्लैरिटी आ रही है भैया, ये देखो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है दोस्तों गाड़ी। कोई बात नहीं, 10 मिनट में साफ हो जाएगी दोस्तों। आपके भाई ने गाड़ी भी क्लीन कर दिया है, ये देखो अंदर से भी क्लीन कर दिया, बस फाइल रेडी रखी हुई है, फाइल लेके जाएंगे दोस्तों 9 बजे के बाद, 9:30 बजे एंट्री होगी। मतलब देखो कितनी गाड़ी लोडिंग के लिए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरी, 11, मतलब 14-15 गाड़ी लोडिंग के लिए आ रखी है दोस्तों यहाँ, और उसमें से 7-8 गाड़ी गुवाहाटी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितनी देर में लोड करते हैं। और फाइनली दोस्तों फाइल उठा लिया और जाते हैं दोस्तों एंट्री कराने गेट पे। मतलब दोस्तों आप जब भी गाड़ी कहीं भी लोडिंग के लिए ले आते हो ना दोस्तों, पहले एंट्री जरूर होगी आपकी, वहाँ एंट्री करवानी पड़ती है दोस्तों। RC पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं, परमिट इंश्योरेंस सब चेक करते हैं फैक्ट्री में, उसके बाद आपको माल लोड मिलता है। मतलब पहले आपकी गाड़ी पुलिस चेक होती है, तब जाके आपको गाड़ी का माल मिलता है। देखो सारे BS6 खड़े हैं दोस्तों, उधर भी खड़ा है वो AC में। ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर। फाइनली दोस्तों आपका भाई आ गया, लाइसेंस लेके आ गया दोस्तों। अरे देखो सब बैठे हैं, ये भाई कंडक्टर है अपना, और देखो वो बाबे बैठे हैं उत्थे, बाबे की हाल चाल है चंगा। और देखो दोस्तों देखते हैं दोस्तों कितनी देर में होगी गाड़ी लोड। दोस्तों आपका भाई आ गया दोस्तों, इतने सारे पेपर लेके आया, देखो ये DO VO कटवाया दोस्तों, DO के पैसे नहीं आए तो इसका मतलब बहुत टाइम हो गया, और टाइम पता कितना हो गया दोस्तों, 12:30 से ऊपर टाइम हो गया। और ये देखो सारी गाड़ी ऐसी लगी पड़ी है, मतलब पता क्या सीन रहता है दोस्तों फैक्ट्री का, मतलब जैसे कि जो पार्टी माल खरीद रही है उसका ना पेमेंट जब तक नहीं आएगा पूरा पेमेंट, तब तक हमको गाड़ी लोडिंग नहीं होगी हमारी, मतलब वहाँ से पूरा पेमेंट आने के बाद तब जाके गाड़ी लोड होती है। और गर्मी इतनी हो रही है ना दोस्तों, पसीना आ गया पूरा। अरे कागज में थोड़े सेव रख देता हूँ, सेव क्या इसके नीचे रख दिया, अब ये ठीक रहेगा। और वो देखो सामने टायर खोल लेते दोस्तों, उनके टायर गलत खा रही थी गाड़ी। ठीक है दोस्तों अभी हम चलते हैं रोटी खाने, और उसके बाद मिलता है दोस्तों आपसे फिर, क्योंकि लोड करनी है, रास्ता तिरपाल भी करनी है, बहुत काम करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, गाड़ी के अंदर तो बैठा भी नहीं आ रहा है, देखो बैठे बैठे पसीना आ गया एकदम, मतलब पूरा पसीने भीग जाते हैं ना दोस्तों, ये देखो पूरा पसीना आ गया। ये दोस्तों मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। दोस्तों आपका भाई आया, खाना खुना खा के आ गया, अब पेट भर गया, मस्त छक्के रोटी खाई है, बस अब लोडिंग करेंगे, रास्ता तिरपाल करेंगे, देखते हैं कितनी देर में लोडिंग पे बुलाते हैं। 2:05 पे बोल रहा है दोस्तों, 2:05 पे जाएंगे, अभी 1:30 बज रहे हैं। रस्ता तिरपाल भी करना है, रस्ता तिरपाल नहीं, साइडों में तिरपाल लगानी है, वो जैसे साइड रहती है ना एक ये वाली एक वाली साइडों में तिरपाल लगानी होती है, जैसे वो लगा रखी है उस गाड़ी ने, क्योंकि माल की सेफ्टी जरूरी है ना, महंगा माल लोड होता है दोस्तों गाड़ी में। ठीक है दोस्तों मिलता हूँ आपको, भाई कर रहा है गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं दोस्तों गाड़ी लेके फैक्ट्री के अंदर। अब देखो गाड़ी लगा दी है, लोडिंग पॉइंट पे आ गया दोस्तों आपको भाई, जस्ट मैंने कांटा वांटा कराया दोस्तों और फिर आ गया लोडिंग पॉइंट पे, अभी एंट्री भी करा गया, और अभी ये देखो ये गाड़ी लगी पड़ी है, L बना रखा है भाई उस्ताद ने पूरा।
इस गाड़ी के बाद दोस्तों, तीन गाड़ी बाद मेरा नंबर है, अभी चलते हैं दोस्तों। साइड में पन्नी लगाएंगे जैसे उन्होंने लगा रखी है, देखो देखो पन्नी लगा के फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको। आधी गाड़ी लोड हो गई है, केमिकल पाउडर लोड हो रहा है दोस्तों, आधी गाड़ी लोड हो गई है केमिकल की और आधी रह रही है, देखते हैं हमारा कितना नंबर होता है दोस्त। भाई वो गाड़ी लोड हो गई, अब मेरी गाड़ी लगेगी, देखते हैं किसकी गाड़ी लगती है। आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है बैग, और ये देख लो, ये देखो रस्सा त्रिपाल चल लिया इस गाड़ी में, उस गाड़ी का खाली है और आधी गाड़ी आपके भाई की लोड हो चुकी है। केमिकल पाउडर लोड कर रहे हैं दोस्तों, केमिकल पाउडर लोड कर रहे हैं, एक गाड़ी और आ रखी है देखो केमिकल की, मतलब ये केमिकल की दोस्तों साबुन बनती है। क्या शेड बना रखी है, शेड के बगल में बहुत कैसे लगा रखी है दोस्तों आपके भाई ने गाड़ी। और फाइनली भाई आपके भाई की गाड़ी होगी लोड, और देखते हैं अब रस्सा त्रिपाल करनी है दोस्तों। उल्टा है दोस्तों, इस पे लगा के आप रस्सा त्रिपाल लोड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, वरना वेट करना पड़ेगा आपको 4-5 घंटे वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितनी देर में आता है नंबर। अभी तो आधी त्रिपाल हुई है इसकी, 2 घंटे से खड़ी है देखो, सामने जो खड़ी है ना गाड़ी, 2 घंटे से खड़ी है दोस्तों वो रस्सा त्रिपाल करने के लिए। भाई कैसे कैसे रस्सा त्रिपाल करनी पड़ती है दोस्तों, इन गाड़ी के बाद मेरा नंबर है दोस्तों रस्सा त्रिपाल करने का, और ये कराएगा हमारी गाड़ी में रस्सा त्रिपाल। दोस्तों आपके भाई की गाड़ी लोड हो चुकी है, और दोस्तों रस्सा त्रिपाल मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, गाड़ी कांटा करवाना है मेरे को, और आगे जाके कागज मिलेंगे अभी पता नहीं कब मिलेंगे, अभी गाड़ी की साफ भी करनी है जिससे सारे गंदे हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलने के टाइम पे मिलूंगा, मैं रस्सा त्रिपाल दिखाता हूँ दोस्तों आगे जाके आपको। कांटे पहुँच चुका है आपका भाई, और कांटा कराता है दोस्तों अभी, और उसके बाद दिखाऊंगा दोस्तों मैं रस्सा त्रिपाल कैसी करी आपके भाई ने, और ये भैया ने कराई हमारी रस्सा त्रिपाल। हेलो देखो दोस्तों भाई, भाई ने हमारी रस्सा त्रिपाल कराई है, देख लो भाई, चेक करो अपने भाई की रस्सा त्रिपाल कर दिया भाई, रस्सा त्रिपाल एकदम ओके, और हालात दिखाऊंगा ना अपने तो तुम्हारे यहाँ खुदा सो आ जाएंगे, देखो ठीक है दोस्तों रस्सा त्रिपाल एकदम ओके, भाई की गाड़ी की पूरी रस्सा त्रिपाल ठीक है भाई दोस्तों, रस्सा त्रिपाल एकदम ओके, और भाई ये देख लो हालात, अभी दोस्तों मेरे को करना है गाड़ी साफ, और नहाने जाता हूँ फिर उसके बाद गाड़ी साफ करने के बाद। अभी ये देखो अपना काम ओके हो गया, बस ओके करके टायर चेक करके फिर जाता हूँ दोस्तों मैं नहाने, और नहाने के बाद मतलब दोस्तों आपके भाई ने गाड़ी की रस्सा त्रिपाल कर दिया, गाड़ी साफ करूँगा और फिर नहाने जाऊँगा, नहाने के बाद फिर कागज देखते हैं कितनी देर में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में, एक बार और देख लो। निकाल लिया दोस्तों मैंने शस्त्र, अब देखना कैसे सफाई करता हूँ, बहुत भयंकर शस्त्र है, और दोस्तों ये देखो हमने क्या लगवा रखा है दोस्तों, ये अगर इसे दब कर दिया ना इधर को तो खाली गाड़ी आराम से चलती है दोस्तों, उससे कल बताऊंगा दोस्तों इसको इसका क्या काम है अच्छे से, ठीक है अभी तो मतलब मैं गाड़ी साफ कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों मिलता हूँ। और ये देखो दोस्तों गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, ठीक है अभी देखो पीछे से देखो क्या हाल हो रहा है, पूरा वहीं से दिखाता हूँ ड्राइवर सीट से बैठ के देखो, ठीक है अभी सेट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कैसी हो जाएगी, और चेक करो दोस्तों कर दी गाड़ी साफ एकदम क्लीन, ठीक है दोस्तों आगे से भी कर दी, बस ये पेपर रखे हैं थोड़े से इसको भी साइड में कर देते हैं, और गाड़ी अपनी क्लीन हो गई दोस्तों। अब मैं जाता हूँ दोस्तों नहाने, अब आपका भाई जा रहा है दोस्तों नहाने, बहुत पसीने भीग गया हूँ यार, देखो पूरा पसीना ही पसीना, नहा धो के आता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज दोस्तों। आपका भाई नहा धो के रेडी हो चुका है, नहा धो के आ गया हूँ दोस्तों, पेपर भी लेके आ गया आपका भाई, गाड़ी के शीशे भी साफ कर दिए हैं, ये देख लो सारे शीशे साफ कर दिए हैं, एक बार बाहर जाके आपको फिर से रस्सा त्रिपाल दिखा देता हूँ, और कागज भी मिल गया दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो रस्सा त्रिपाल ठीक है, बाद में मत बोलना कि भाई बढ़िया रस्सा त्रिपाल नहीं करते आप, ठीक है एकदम ओके है, और ये देखो गाड़ी ठीक है, शीशे विशे सब गाड़ी गुड़ी पे सब कपड़ा मार के एकदम ओके कर दिया तुम्हारे भाई ने, देखो पूरी टंच हो रखी है गाड़ी, बाद में मत बोलना कि भाई आप गाड़ी की सफाई नहीं करते, देख रहे दोस्तों अकेला हूँ इतना काम किया अकेले ने, कोई लड़का मिल जाए दोस्तों बस जल्दी से जल्दी, लड़कों की तो ऐसे दोस्तों कमी नहीं है, पर मैं आलतू फालतू लड़के रखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मन भर गया, अब मुझे सिर्फ वही बंदा चाहिए जो परमानेंट टिक के काम कर सके, खामा खा डेली डेली नए नए लड़के ला ला के मैं भी परेशान वो भी परेशान, तो पैसे देने हैं तो लड़के मिल जाएगा दोस्तों, अगले एक कर तो कोई बढ़िया लड़का ढूंढ लूंगा मैं, और दोस्तों अभी कागज मिल गए हैं
कागज पास कराने जाना है और आपके भाई का माल है गुवाहाटी का, रेट मैं कल बता दूंगा क्या है रेट लगी गाड़ी, अभी कुछ पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। और फर्स्ट पार्टी का माल उतार के दोस्तों सेकंड पार्टी का माल लोड कर लिया और जाना है, अब निकलना है। बहुत सारी गाड़ियां हैं हमारे साथ, देखता हूं उनका, वेट करता हूं कि चलता हूं। अभी मैं गाड़ी के कागज लेके नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं थक गया हूं और लेटता हूं थोड़ी सी देर, उसके बाद जाऊंगा गाड़ी के ये कागज पास कराने। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, आप सब सो जाओ दोस्तों। अभी तो देखो भाई गाड़ी एकदम ओके है, अभी निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते कोई पक्का नहीं पता है, तो इससे बढ़िया हम कल ही मिलेंगे रूट पे, जहाँ भी मिलेंगे, और डीजल भी डलाएंगे दोस्तों लास्ट बार, डीजल वीजल डला के तब मिलूंगा दोस्तों कल को। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।